हेलो दोस्तों, राजेश रावत मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या को 11 से गुणा कैसे किया जाता है। देखो मान लो कोई नंबर है अपने पास 12 और अपने को 12 को गुणा करना है 11 से, तो हम 12 को 11 से गुणा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 11 से गुणा तो करेंगे नहीं, और 1 और 2 इन दोनों का योग करेंगे। इन दोनों का योग कितना आया, 3। इस 3 को इन दोनों के बीच में चिपका देंगे तो बोलेंगे 1, 3, 2। अर्थात 12 की यदि 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132। मान लो एक दूसरा नंबर लेते हैं, हमने लिया एक नंबर मान लो 15 ले, और 15 की अपने को 11 से गुणा करनी है तो हम 11 से गुणा नहीं करेंगे, बोलेंगे 5 और 1 कितना हो गया, 6। ये 6 इन दोनों के बीच में चिपका देंगे, बोलेंगे 1, 6, 5। ये अपना आंसर। मान लो एक नंबर ले लिया हमने 31 और बोला कि 31 की 11 से गुणा करो, तो हमें पता है 31 की 11 से गुणा करनी है तो 11 से गुणा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे 3 और 1, 4। 4 को बीच में चिपका देंगे, बोलेंगे 3, 4, 1। ये बोला। अब मान लो कोई नंबर है अपने पास जो कि 2 अंकों का नहीं है, 3 अंकों का नंबर है, मान लिया 1, 2, 1। 121 है अपने पास, 121 को अपने 11 की गुणा करनी है तो हम बोलेंगे 121 की यदि 11 से गुणा करेंगे तो 11 से कोई मतलब छोड़ देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे इकाई का अंक कितना, 1। ऐसा कैसा लिखते हैं, फिर 1 में कितना जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 3। यहां से चिपका देंगे, उसके बाद में 2 में कितना जोड़ेंगे, 1, कितना आ गया, 3, यहां लिख देंगे, और 1 ऐसा कैसा, कितना आ जाएगा, 1331। मान लो अपने को 1331 की ही 11 से गुणा करना है तो हम 11 से गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। 1 और 3 कितना हो गया, 4। 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 1 ऐसे ऐसे, कितना आ जाएगा, 14641। मान लो एक दूसरा नंबर लेते हैं, एक नंबर लेता हूं मैं 442 और 442 की गुणा करते हैं 11 से, तो हम 11 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इकाई का अंक कितना है, 2। उसके बाद में इस 2 में इससे आगे वाला अंक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद में इस 4 में आगे वाला अंक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8, और 4 ऐसा ऐसा, कितना आ जाएगा, 4862। मान लो दोस्तों हम एक नंबर और लेते हैं, हमने नंबर ले लिया 1, 2, 3, 4, 2, 1 और अपने को इस नंबर को मान लो 11 से गुणा, तो हम इस 11 से गुणा नहीं करेंगे, बोलेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 4 में कितना जोड़ेंगे, 3 कितना आएगा, 7, 3 में कितना जोड़ेंगे, 2 कितना आएगा, 5, और 2 में कितना जोड़ेंगे, 1 कितना आएगा, 3, और 1 ऐसा कितना आ जाएगा, ये देखिए दोस्तों कितना आसान। अगर मान लो हम 542 को यदि 11 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा नहीं करेंगे, 2 ऐसा कैसा लिखते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 5 ऐसा कैसा लिखते हैं, 5982। ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।